बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد। صلى الله عليه وسلم। رسول الله صلى الله عليه وسلم का ذكر خير हो और उस مجلس का आगाज दुरूद शरीफ से ना हो तो हमारी गफलत और हमारी नावाकफियत और हमारी जहालत को बताता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हम पर जो एहसानात हैं उसको कुरान मजीद ने क्या कहा है, अन्नबी औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजिहिम व उम्महातिहिम व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताबिल्लाह। कि अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह अहज़ाब जो 21वें पारे में है, अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील से वादे तौर पर बिल्कुल क्लियर सूरह अहज़ाब 21वां पारा है और 21वें पारे की सूरह अहज़ाब है, उसमें सूरह अहज़ाब की 6वीं आयत है, अन्नबी बेशक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औला ज्यादा हक रखते हैं बिल मुमिनीन मोमिनों के लिए, मिन अनफुसिहिम अपनी जान से बढ़कर, व अज़वाजुहु उम्महातुहुम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात आपके वाइफ्स, उम्महातुहुम उन मोमिनों की माएँ हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुरान मजीद में साफ तौर पर वादे फरमा दिया, डिक्लेयर कर दिया। डिक्लेरेशन ये है कि हमारी अपनी जान, हमारा अपना माल, हमारी अपनी सोच तो सबसे बढ़कर कीमती अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हक है। और क्यों है? इसलिए है कि आदमी अपना भला और अपना बुरा, अपनी अच्छाई और अपनी खराबी, अपनी कामयाबी और अपनी नाकामी, इस दुनिया के मकसद और इस दुनिया का लॉस, तो वो अगर अपनी अकल से देखेगा तो वो नुकसान उठाएगा। और अल्लाह के रसूल अलैहि सलात व सलाम की गाइडेंस में, आपकी आइडियलशिप में, आपके बताए हुए रास्ते पर चलकर तो वो अच्छाई को समझेगा, नेकी को जानेगा, भलाई के रास्ते पर चलेगा, अपने इस दुनिया के आने के मकसद को पहचान कर कामयाब होगा। तो इस एतबार से वो उसकी जात के हक में खुद जो है बहुत बड़े फॉर्चुनेट हैं अल्लाह के रसूल। वो खुद फॉर्चुनेट नहीं है, अल्लाह के रसूल फॉर्चुनेट हैं कि अल्लाह के रसूल की गुलामी हमें मिल गई, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कलिमा पढ़ना हमें नसीब हो गया, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम का नाम नामी इस्म गिरामी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मुबारक, और फिर जिस अंदाज में हम लोग हर जुमा को पढ़ रहे हैं और जुमा का दिन मुबारक दिन है, ये इस दिन भी अगर हम अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम की जिक्र के मौके पर गफलत हो जाए। क्यों? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी फरमाया कि बखील हैं, कंजूस हैं वो इंसान, बड़ा माइजर हैं, मनजुकिरा इंदहु फलम युसल्ली अलैया, कि जिसके सामने मेरा जिक्र आए और वो मुझ पर दुरूद ना पड़े। तो इसीलिए और हमारे पास क्या हो गया, हम शॉर्ट वे ढूंढते हैं, हम कहते हैं कि भाई इसका शॉर्टकट बता दीजिए, ये फुल कट कौन जाएगा? अगर हम शॉर्टकट को अप्लाई करेंगे तो फुल कट को कौन जाएगा, फुल वे पे कौन चलेगा? हमारे पास ये हो गया कि हम दुरूद शरीफ को भी शॉर्ट कर दिए, फिर उसके अंदर भी और शॉर्ट कर दिए, और वहां पर जाकर हम जो है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एब्रीवेशन लिखते हैं, स्वाद लाम आइन मीम, और उससे भी ज्यादा हम जो है स्मार्ट बन गए हैं।
तो हम जो है सिर्फ उसके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम नामी लिख के स्वाद लिख देते हैं। हमारे लिए हर चीज के लिए वक्त है, हमारे लिए हर चीज के लिए उसकी नेसेसिटी को हम रियलाइज करते हैं। वो जात जिनकी निस्बत और जिनसे जोड़ हमारी कामयाबी है इस दुनिया में और आखिरत में, तो अल्लाह के रसूल की शफात और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बत और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत, हमें मोहब्बत का दावा है। लेकिन मोहब्बत का दावा सिर्फ जबान से अगर हम कहें तो नहीं होगा। उसकी मिसाल के तौर पर मैंने इससे पहले भी सुना और आज भी सुना रहा हूँ, और इसलिए सुना रहा हूँ कि हमारा जमीर, हमारा मुर्दा जमीर जागे, हमारे जो कान हैं वो खुलें, हमारी आंखें जो हैं वो देखने वाली बने, हमारे हाथ जो हैं वो लिखने वाले बने, हमारी जबान से वो कलिमात निकले। एक बेटा एक बेटी अपने माँ और बाप की बहुत दम भरती है, कहती है हम तो बहुत चाहते हैं, हम तो बहुत प्यार करते हैं, हम तो बहुत हम आपके लिए जो है हर चीज फिदा है, हर चीज आपके ऊपर निछावर करते हैं, आपसे इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, ऐसी मोहब्बत है, फला मोहब्बत है। और जब माँ और बाप ने कहा कि बेटा थोड़ा सा पानी पिला दो, तो वो जो टी स्पून होता है, वो जो छोटा चमचा होता है, वो चमचे में पानी लेके आता है और कहता है कि लीजिए चाय पानी पीजिए, बाप बोली मोहब्बत का वो हकीकी दावेदार है कि वो तो हम कहेंगे सब लिप सर्विस कर रहे हैं आप, आपके माँ बाप ने पानी मांगा है, पानी लाके दीजिए, चमचे में आप पानी लाके दे रहे हैं, क्या इससे प्यास बुझेगी, क्या इससे उनकी जरूरत पूरी हो जाएगी, क्या उनका रिक्वायरमेंट जो है फुलफिल हो जाएगा। हमारा हाल भी वही है, हम लोग जो है वो कहते हैं कि भाई चलो लिख दो, साथ लिख दो, बल्कि इससे भी ज्यादा और गए गुजरे हो गए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम हम लिखते हैं वहां जो है दुरूद और वो जो सलाम है वो हम नहीं कहते। और अभी आयत करीमा मैंने पढ़ी, अल्लाह ने हुक्म दे दिया सल्लु अलैहि व सल्लिमु, के सलात भी है और सलाम भी है। तो ये अर्ज करना इसलिए है कि दुनिया की इतनी बड़ी बड़ी चीजें, दुनिया की इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हम समझते हैं, उनमें सबसे अहम चीज एक बहैसियत मुस्लिम, अज ए मुस्लिम ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी है कि मैं मेरे आका का नाम बड़े अदब एहतराम के साथ और पूरे रेस्पेक्टिव और पूरे ऑनररी ऑनर के साथ लूंगा। और जब मैं अल्लाह के रसूल का नाम नामी लूंगा तो उस वक्त जो है उसका ख्याल रखूंगा। तो क्यों? इसलिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एहसान है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे मोहसिन हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बगैर हमारी ये जिंदगी भी और आखिरत भी नाकाम। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सारे साथी जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग दुरूद शरीफ का एहतमाम करें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जितना ज़्यादा हम दुरूद पढ़ेंगे उतना जो है आमतौर पर आप देख लीजिए कि सीरत हम पढ़ रहे हैं, सीरत को जो है हम जान रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत तैयबा अज़े सिलेबस है कि साहब एसएससी में हमने पढ़ लिया बस, जरूरत नहीं, सिलेबस ऑफ दी लाइफ है। और ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अल्लाह अकबर, आज का जो साल हम पढ़ने जा रहे हैं आई ओपनर है, हमारे आने वाले जो हालात हमारे सामने आ रहे हैं वो हालात को रिलेट कर रही है अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा, अल्लाह के रसूल की सीरत तैयबा उसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमें बता रही है कि देखो ये हालात तुम आज कह रहे हो 1500 साल के बाद, कि साहब हमारे पास लॉकडाउन हो गया, हमारे पास कोरोना हो गया, हमारे पास मुसलमानों के लिए ये पाबंदी लग गई। जरा पीछे पलट कर देखो कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को जो है खुली आंखों से पढ़ो, मोहब्बत के दिल से पढ़ो, इश्क वाले कान से सुनो। और सबसे बड़ा मसला ये है कि हम लोग सिर्फ जलसा करते हैं और जलसा हल नहीं है, जलसा जो है वो हर मर्द की दवा है। तो इस तरीके से हमने बना दिया भाई कुछ भी हो गया जलसा करिए, जलसे से क्या होगा, जलसे से आदमी इमोशनल होगा, मोटिवेशनल होगा, उसके अंदर जो इंथुजियाज्म आएगा, उसके अंदर एक प्यास जगेगी, लेकिन उसका जो सिलसिला है वो होना चाहिए। और मुझे खुशी है, मैं अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ और मेरे इन तमाम साथियों का शुक्रिया बजा लाता हूँ कि अल्लाह ने मुझे और आपको एक मिशन से जोड़ दिया। वो मिशन ये है कि मेरे आका और आपके आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
सीरत तय्यबा के एक एक साल को हम पढ़ेंगे। और मुझे खुशी है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस लॉकडाउन और कोरोना के बाद जो ऑनलाइन सिलसिला हमने शुरू किया, उसके जो फर्स्ट बैच के हमारे साथी हैं, सेकंड बैच के साथी हैं, थर्ड बैच के साथी हैं, तफसीर कुरान के साथी हैं, और उसमें भी मेरा एक ग्रुप है, अब्दुल कदीर साहब का एक ग्रुप है, वो सारे साथी यहाँ जुड़ रहे हैं। देखिए कि जुड़िए और जोड़िए, असल चीज़ तो यही है। और फिर मैं आपसे अर्ज करूँ, सच्ची अर्ज करता हूँ, देखिए एक तो होता है कि रिकॉर्ड, हम चीज कोई चीज रिकॉर्ड कर दें और उसको यूट्यूब पर डाल दें, एक लाइव जो आप हिस्सा लेंगे उसकी बरकतें, उसके फायदे, उसके जो खैर, उसकी भलाई और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक के तज़किरे से जो नूरानियत और रूहानियत और कैफियत और जो हमारी ज़िंदगी में चाशनी और बरकत आएगी, उसका अंदाज़ा हम नहीं लगा सकते। चलें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फिर एक मरतबा दुरूद शरीफ का नजराना हम पेश करते हुए, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله سيرة طيبة صلى الله عليه وسلم کا یہ ہم 6 سال مکمل کر چکے ہیں نبوت کے اور اس سے پہلے بھی سیرت کے جو ٹرمینالوجیز ہیں اور سیرت کی بنیادی چیزیں ہیں अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने पढ़ी है। और सीरत तय्यबा का जो 6वां साल है उसका भी ब्रीफिंग और उसका भी रिवीजन आप और हमारे सामने आ गया है। ये नबुवत का 6वें साल का हमने अभी रिवीजन भी सुन लिया है, और ये जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ये नबुवत का 7वां साल है, 7th ईयर ऑफ द नबुवा प्रोफेसी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने नबुवत से सरफराज फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैसेंजर होने की जो जिम्मेदारी है वो डाली गई। तो उस वक्त अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक 47th ईयर है, और जॉर्जियन जो कैलेंडर है जो 2022 चल रहा है वो 616 था। तो ये इस तरीके से हम लोग चलते हैं, तो उसका फायदा ये होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी में आगे चलकर और भी बहुत सारे चीज़ें हमको जो है खुलेंगी, समझ में आएंगी कि हमारी ज़िंदगी में ये वाक़ियात हो रहे हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक में ये हालात, ये वाक़ियात और इस तरह के इंसिडेंट जो है वो पेश आए थे, और उसमें अल्लाह के रसूल ने अपना क्या अप्रोच लिया था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या डिसीजन था ऐसे हालात में एक मुसलमान को, एक उम्मती को और एक अल्लाह के रसूल के आशिक को और आपसे मोहब्बत करने वाले को क्या करना चाहिए। और जो 7वां साल है वो मुसलमानों के हक में यूं समझ लीजिए कि बहुत बेहतरीन रहा, कि वो इस एतबार से कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने ईमान अता फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर को जो है इस्लाम में दाखिल फरमाया। और उसी से सिर्फ 3 दिन पहले एक दूसरे बहादुर हजरत हमजा रदी अल्लाह अनहु भी 6th ईयर जो है मुसलमान हो गए। तो इस तरीके से ये जो 6th ईयर है नबुवत का वो मुसलमानों के लिए बहुत बेहतरीन रहा, इस एतबार से कि अब इस्लाम की दावत और मुसलमानों का जो इज्तिमा था वो अब सीक्रेट नहीं रहा, अब वो बिल्कुल खुलकर सामने आ गया है। और फिर ऐसे जवानों को और ऐसे कह लीजिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने खड़ा फरमा दिया कि अब वहाँ पर किसी को जो है हिम्मत नहीं होती थी कि जैसे मुसलमानों को और अल्लाह के रसूल को जो चाहें वो तकलीफ दें और अल्लाह के रसूल को सताएं। तो ये मुसलमानों के लिए बड़ी बेहतरीन चीज़ हुई। और वहीं पर मुसलमानों के लिए अल्लाह ने हबशा में जो है एक बेहतरीन दरिया पैदा फरमा दिया, और जानते हैं हम कि हबशा में जो है फर्स्ट टाइम जो है वो तकरीबन 16 लोग पहुंचे थे, सेकंड टाइम जो है वो 82 या 83 लोग पहुंचे थे। तो इस तरीके से मिलाकर 100 सहाबा और वो फर्स्ट जनरेशन ऑफ इस्लाम जो है वो सेफली जो है वहां पहुंच गई, और पूरे इज्जत के साथ, पूरे एहतराम के साथ और पूरे सुकून के साथ वहां रहने के उनको मौके मिल रहे हैं। और दूसरी ये कि वहाँ जब मुसलमान पहुँचे थे तो
तो उन्होंने देखा कि मुसलमान जो है वहां खैरियत से हैं, सहूलत से हैं, और बादशाह की तरफ से भी कोई रोक टोक नहीं है। तो उन्होंने वहां डेलीगेशन भेज के उन सहाबा को वापस लाने की कोशिश भी की। आप कह सकते हैं कि एक्सटर्नल अफेयर्स को उन्होंने यूज किया, लेकिन वहां पर भी अल्लाह ने उनको फ्लॉप कर दिया। और उस वक्त का जो बादशाह था हबशा का, उसने साफ तौर पर कह दिया कि नहीं, ये मेरे मेहमान हैं, ये मेरे एरिया में आ चुके हैं, अब मैं इनको किसी सूरत तुम्हारे हवाले नहीं कर सकता। तो अब ऐसी सूरत में ये बात तय है कि एक 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 दुश्मन है, एक इस्लाम के जो है वो बिल्कुल जानी दुश्मन हर एतबार से। तो ये जो चीजें उनके सामने हो रही हैं, तो उन्होंने ये जरूरी समझा कि अब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, सहाबा को, गुलामों को, बांदियों को, या अगर कोई मुसलमान हो भी गया और मालदार भी है, तो उसको किस तरीके से उसको टॉर्चर किया जाए, किस तरीके से उसको जो है सताया जाए। तो उसके काफी सारे जो है तरीके इख्तियार किए गए। तो इसीलिए अब आगे का जो साल, आगे के जो सीरत तय्यबा हम लोग देखेंगे, तो उसके अंदर ये चीज, उनकी जो नाकामी है, तो हम देखते हैं कि एक इंसान नाकाम हो गया, एक दुश्मन, तो वो जो है वो बहुत गुस्से में भरा हुआ होता है। वो चाहता है कि साहब किसी भी तरीके से अगर मैं उनका भला ना कर सकूं तो अच्छा भी उनका ना हो। तो ये सोच जो है ये मक्के वालों में पैदा हो गई थी। और हजरत अबू तालिब जो हुजूर के ताया हैं, और चूंकि सीरत तय्यबा का ये हमारा 7वीं साल का हम पढ़ रहे हैं, तो पीछे तकरीबन 8 घंटे हम लोग सीरत तय्यबा के बारे में सुन चुके हैं, जान चुके हैं, आप किताब में पढ़ चुके हैं कि हजरत अबू तालिब बड़ी उम्र के थे, और तकरीबन उस वक्त उनकी उम्र जो है वो 87 86 ईयर्स थी। तो इतना बड़ा तजुर्बाकार और इतना बड़ा एजड आदमी जो है वो रियलाइज कर रहा है, और उसकी जो है क्या कहते हैं कि वो सारी चीजें वो उनको बता रही हैं कि हालात जो है वो मुसलमानों के फेवर में जरूर हैं, लेकिन मक्के के मुशरिकीन भी खामोश बैठने वाले नहीं हैं। ये मक्के के मुशरिकीन जो है वो कोई ऐसा गेम खेलेंगे, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी जो है क्रिएट करेंगे और उसको जो है अडॉप्ट करेंगे कि जिसके जरिए से मुमकिन है कि अल्लाह के रसूल और आपके साथ में ये पूरा जो खानदान है वो कहीं डिस्टर्ब ना हो जाए। तो हजरत अबू तालिब ने बड़ी मेच्योरिटी और बहुत ही अंडरस्टैंडिंग और हालात का बहुत सही एनालिसिस किया। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा काम हजरत अबू तालिब ने 7th ईयर अंजाम दिया। हजरत अबू तालिब ने जो बड़ा काम अंजाम दिया, उन्होंने क्या किया कि मक्के में और फिर अरब में क्या होता था कि खानदान की बुनियाद पर लोग जो है यूनिटी उनके अंदर होती थी कि एक खानदान है, कि एक कबीला है। तो एक जो कबीला होता था वो जो है दूसरे सामने वाले को, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो, उसका सपोर्ट करता था बस। वो ये नहीं देखता था कि भाई मेरा ये जो रिश्तेदार है वो गलत भी कर रहा है कि सही कर रहा है, बस वो ये कहता था कि भाई वो क्या कर रहा है उससे मुझे मतलब नहीं है, मुझे मतलब ये है कि वो मेरा रिश्तेदार है, मेरे सामने जो बात है वो सिर्फ ये है कि वो मेरे कबीले का आदमी है। अब वो गलत कर रहा है वो सही कर रहा है वो सेकेंडरी है, तो प्राइमरी जो उनकी चीज, उनकी जो सोच थी वो खानदान था। तो खानदानी बुनियाद पर जो है वो बहुत इसकी जो है हमीयत जिसको बोलते हैं, तो हमीयत का मतलब होता है कि आदमी की अपनी फीलिंग, आदमी के अपने जज्बात, वो खानदान की बुनियाद पे बहुत होते थे। तो हजरत अबू तालिब रजी अल्लाह, हजरत अबू तालिब ने एक काम ये किया कि जब उन्होंने देखा कि मक्के के अंदर हालात बहुत जो है बिगड़ते चले जा रहे हैं, तो हजरत अबू तालिब चूंकि खानदान के जो है हेड थे और खानदान के सुपरविजन वो करते थे, तो उन्होंने जो है अपने खानदान में से हाशिम और मुत्तलिब की औलाद को, उन सबको एक जगह जमा किया, और जमा करके उनके सामने ये बात रखी कि देखो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में तुम जानते हो कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले आपके वालिद मोहतरम का इंतकाल हुआ, फिर वालिदा का इंतकाल हुआ, फिर हमारे जो तो हम सब के जो दादा थे मुत्तलिब, उन्होंने उनको पाला, और फिर उसके बाद उन्होंने मुझे, अपनी बड़ा हूं तो मुझे उन्होंने मेरी कस्टडी में दे दिया।
अभी और फिर हुजूर के अखलाक तो कुरैश के पूरे खानदान में मशहूर थे और वो लोग फख्र करते थे कि अल्लाह के रसूल हमारे अपने कबीले से हैं, अल्लाह के रसूल हमारे खानदान के हैं। तो हजरत अबू तालिब ने उनके वो जो खानदानी जो जज्बात होते हैं, वो जो नेचुरल जो ब्लड रिलेशन होता है, हजरत अबू तालिब ने उसको जो है इस्तेमाल किया। उन्होंने कहा कि देखो हुजूर क्या दावत पेश कर रहे हैं, हुजूर अलैहिस्सलाम का पयाम क्या है, उससे बढ़कर मेरे एक मशवरा ये है कि तुम हुजूर के खानदान की बुनियाद पर हुजूर के सपोर्टिव बन जाओ। तो ये बहुत बड़ा काम हजरत अबू तालिब का इस साल हुआ है। तो सारे खानदान के लोग जो है उन्होंने कहा कि बात तो सही है कि हमारे खानदान के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, लेकिन मक्के वाले जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सताते हैं, आपको जो है आपके आपकी शान में गुस्ताखी करते हैं, आपको जो है जुल्म और ज्यादती आपके ऊपर करते हैं। तो ऐसे वक्त में जो है सारे लोग हुजूर के फेवर में आ गए, लेकिन अबू लहब जो है वो हुजूर का ये भी ताया है, लेकिन उस अकेले ने कहा कि साहब मैं इसमें नहीं आऊंगा, मैं खानदानी बुनियाद पर तुम्हारे साथ नहीं हूं। तो यहाँ पर देखिए कि हुजूर अलैहिस्सलाम के लिए हजरत अबू तालिब ने जो काम किया, तो खानदान की बुनियाद पर उन्होंने सबको एक किया, सबको यूनाइट कर दिया। अब मक्के के हालात और कुरैश जो है वो भी ये सारी चीजों को रीड कर रहे थे, वो देख रहे थे कि अबू तालिब क्या इसका जो है हल निकालते हैं। तो मक्के के कुरैश ने जो क्या किया कि एक बाज़ाब्ता तौर पर मक्के में जितने कबीले हैं अलग अलग, कि उन सारे कबीलों को जो है एक जगह जोड़ा और उनको जोड़कर कहा कि साहब तुम्हारे कबीले में फला बंदा मुसलमान हो गया, तुम्हारा भाई मुसलमान हो गया, तुम्हारा बहन वही मुसलमान हो गया, तुम्हारा गुलाम मुसलमान हो गया, तुम्हारी बीवी मुसलमान हो गई, तुम्हारी बेटी मुसलमान हो गई, तुम्हारी वालदा मुसलमान हो गई। तो हर खानदान से जो है अफराद आए हुए थे। तो मक्के वालों ने क्या किया कि वो पूरे कबीलों को जोड़कर जो है एक क्या है कॉमन जो है एक अग्रीमेंट बनाया, और उसको जो है बाइकॉट जो हम कहते हैं कि उसको जो है मुकाताआ कहते हैं अरबी में, और मुकाताआ को कहा जाता है बाइकॉट। तो उन्होंने जो है मशवरा किया और मशवरा करके सारे लोगों के उसके ऊपर दस्तखत किए, और सारे लोगों के दस्तखत लेकर उसके पॉइंट भी उन्होंने तैयार किए कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू तालिब का जो खानदान है उसको हम हमारे यहाँ मक्के में बाइकॉट करेंगे, उनको जो है यहाँ पर जो है ये राइट्स नहीं मिलेंगे, उनके लिए जो है ये काम अगर वो करेंगे तो उनको जो है ये चीजें मिलेंगी, वरना उनको बाइकॉट कर दिया जाए। मुहर्रम, फर्स्ट मुहर्रम को मक्के के मुशरिकीन ने वादी मुहस्सब एक इलाका है वहां पर खैब बनी किनाना में बाज़ाब्ता पूरी प्लानिंग हुई, और चूंकि अबू लहब जो है हुजूर के खानदान से हैं लेकिन वो चला गया है उस तरफ, तो उसमें वो भी शरीक रहा। तो ये सारे लोगों ने मिलकर एक जो है अग्रीमेंट और एक जो है पेपर तैयार किया कि ये पॉइंट्स हैं, अगर आप अग्री हैं तो आप मक्के में आपको ये राइट्स मिलेंगे, अगर आप रेडी नहीं हैं, आप जो है इसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो फिर आपको ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ जो बाज़ाब्ता तौर पर रिटर्न में कि बाज़ाब्ता रिटर्न में जो है वो सारी चीजें लिखी गई, और जो लिखने वाला था उसका नाम कहा जाता है कि मंसूर बिन इकरमा या नजर बिन हारिस या बगीज बिन आमिर, दो तीन नाम है। लेकिन वो दो तीन नामों के अंदर देखिए कि हुआ ये कि उस जिसने ये जो तय किया था जो लिखा था अल्लाह ने उसके उसके हाथ को पैरालिसिस कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मक्की हैं, वहां के उनके हक हैं, वहां के उनको राइट्स हैं, वो जो है उससे जो है बेदखल कर रहा है, तो अल्लाह ने उसको पैरालिसिस कर दिया। और वो जो पॉइंट उन्होंने बनाए थे कि उसके अंदर जो खास बात थी वो ये कि फर्स्ट ये कि उनसे निकाह उनसे शादी ब्याह नहीं होगी, कोई उनसे निकाह नहीं करेगा, ना लड़की लाएगा ना लड़का लाएगा, और दूसरी चीज जो है कि खरीदो फरोख्त नहीं करेंगे, कि कोई भी उनसे डीलिंग नहीं की जाएगी, और उनको कोई चीज ना खरीदी जाएगी ना उनको कोई चीज बेची जाएगी, और तीसरा ये कि उनसे बातचीत भी बंद कर देंगे, और यही नहीं
अगर उनसे जो है आपका कोई ट्रीटी होके है तो वो ट्रीटी खत्म हो गया कि नहीं, उनसे हमारा ट्रीटी है, उनसे जो है हमारा मुआहदा है, अग्रीमेंट है ना, वो अग्रीमेंट भी खत्म हो जाए। और इंसानियत और मुरव्वत जो बोलते हैं ना कि ह्यूमैनिटी है एक आदमी के अंदर इंसानियत, तो वो बिल्कुल उसका भी कोई पास लिहाज नहीं रखा जाए। तो ये इस तरीके से बाजाब्ता तौर पर ये चीज उन्होंने उसके अंदर लिखी और लिखकर ले जाकर काबतुल्लाह में हैंग कर दी, काबतुल्लाह में लगा दिया कि साहब यहाँ मक्के में ये खानदानों ने मिलकर ये तय किया है कि जो मोहम्मद और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर और आपके साथ होगा तो उसको जो है मक्के के अंदर ये पाबंदियां लागू होंगी। और एक मशहूर शायर हैं हफीज जालंधरी, जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा को शायरी में बड़े बेहतरीन अंदाज में वक्त निकालिए, कभी उसको भी पढ़िए, शाहनामा इस्लाम उसका नाम है, अल्लामा हफीज जालंधरी ने लिखा है, बियाह शादी रिफाकत नाता रिश्ता दोस्ती उल्फत, बियाह शादी रिफाकत नाता रिश्ता दोस्ती उल्फत, मुरव्वत लेन देन और मिलना जुलना सब का सब रुखसत, तवाजो बयोशीरा मतलब खरीदो फरोख्त ट्रेडिंग, तवाजो बयोशीरा सब तर्क करते हैं, कोई आकर ना पूछेगा कि वो जीते हैं कि मरते हैं। कि इतनी क्या कह लीजिए कि संगदिली और इतनी ज्यादा जो है गैर इंसानी जो है हरकत पर वो उतर आए। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा और आपका खानदान और आपकी पूरी फैमिली से सफर होती, ये सातवां साल है नबूवत का और मुहर्रम के महीने में फर्स्ट मुहर्रम को उन्होंने ये अग्रीमेंट बनाया है, ये बाइकॉट बनाया है और ले जाकर काबतुल्लाह में हैंग कर दिया है। आप देखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये पूरा साल किस किस मुसीबतों में गुजरता है। कि हालात ये हो जाते हैं कि इब्तिदा में अल्लाह के रसूल जब वहां पहुंचते हैं तो खाने पीने की कुछ चीजें हैं, ऐसी कुछ चीजें हैं कि जिसको आप एक दिन दो दिन तीन दिन एक हफ्ते तक यूज कर सकते हैं, कुछ चीजें वो हैं कि जो हजरत खदीजतुल कुबरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की बिजनेस की वजह से जो है पहुंच गई थी, लेकिन बात यह है कि मैक्सिमम जो है वो एक हफ्ते के बाद सारी चीजें खत्म है, कि खाने के लिए कोई चीज नहीं है, पीने के लिए कोई चीज नहीं है। और उसका छोटी सी झलक हमने और आपने भी लॉकडाउन में देख ली है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इतने जो है खतरनाक और इतने जो है हालात आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बड़े हैं, अल्लाह के रसूल के हजरत खदीजतुल कुबरा बड़ी हैं, हजरत अबू तालिब बड़े हैं, हुजूर की बेटियां हैं, और ये तो बड़े हैं, छोटे बच्चों का क्या हाल था। ये बच्चे ये थे कि भूख और प्यास से बिलबिलाते थे और फाकों पर फाके कर देते, और अल्लाह के रसूल अलैहि सलात व सलाम और सहाबा जहां पर उनको जो है रोक दिया गया था, और हजरत अबू तालिब की वो प्रॉपर्टी थी, और जो हजरत हज और उमरे के लिए गए हैं तो आपने देखा होगा कि सफा और मरवा से जो आप बाहर निकलते हैं, जो अजीजिया की तरफ जो बसें वगैरह जाती हैं, जो मीना के लिए जो टनल है, वो टनल का एरिया था, उसको बोलते हैं शेबे अबी तालिब यानी वैली ऑफ अबू तालिब। कि हजरत अबू तालिब की वो प्रॉपर्टी थी, वहां ले जाकर हजरत अबू तालिब ने सबको वहां रख लिया, और हजरत हुजूर अलैहि सलात व सलाम अपने इन सहाबा को और अपने खानदान वालों को देख रहे हैं, और हालात इतने ज्यादा सख्त हो गए कि खाने पीने की चीजें खत्म हो गई। तो वहां पर एक दरख्त होता था तलह नाम का, तो उसके पत्ते खा खा कर अल्लाह के रसूल ने दिन गुजारे, सूखे चमड़े मिल जाते तो उन्हें उबाल कर खाते थे। हज़रते गिरामी, हम लोग वहां जाते हैं तो हम लोग जो है वहां पर कितनी नाशुकरी करते हैं, कितना हम अल्लाह की नेमतों की नाकदरी करते हैं, कितनी चीजें हमको मिलती हैं और हमको अंदाजा भी नहीं होता। वही जगह है, वही मकाम है कि जहां अल्लाह के रसूल पत्ते खाने पर मजबूर हो।
और फाका कशी का हाल क्या था कि भूख से बिलकते हुए बच्चे और औरतों की आवाजें घाटी के बाहर सुनाई देती थी, लेकिन उनके अंदर की इंसानियत नहीं जागती थी। उनके अंदर का जो दिल था वो नरम नहीं होता था। वो ये कहते थे कि भाई मरने दीजिए, हमको क्या करना, ये खत्म हो जाने दीजिए, हमें क्या करना। और फिर बात ये है कि एक पूरी तरीके से जो है उसको अप्लाई किया गया। और दूसरी तरफ ये होता था कि हुरमत वाले महीनों में खरीदो फरोख्त की छूट थी। हुरमत वाले कौन है? हुरमत वाले महीने ये कंटिन्यू है, हम जानते हैं कि मुहर्रम, सफर, सारी ये तीन महीने जो है वो कंटिन्यू है, ज़िलक़ादा, ज़िलहिज्जा और मुहर्रम, और आखिरी महीना रजब का है। तो ये चार महीनों में जो है छूट थी, लेकिन मक्के वाले ऐसे करते थे कि कीमतें इतनी बढ़ा देते थे, इतनी जैसे आजकल हो गई है महंगाई, कि महंगाई इतनी बढ़ गई है कि गरीब जो है वो खरीद नहीं पा रहा है, उसकी कुव्वत खरीद से वो बाहर है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनका खानदान इस मुसीबत से भी दो चार होता था। और हजरत अबू तालिब, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, कि हजरत अबू तालिब देखते थे कि रात के वक्त में हुजूर अलैहि सलातु वसलाम का बिस्तर मुबारक तब्दील फरमाते थे। क्यों? इसलिए कि कोई दुश्मन रात में हमला ना कर दे, कोई जो अल्लाह के रसूल का जो है आप पर जो है कोई नुकसान ना पहुंचा दे, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिस्तर चेंज करते और दूसरों को वहां सुला देते। और हजराते गिरामी, यहाँ पर एक पॉइंट है जो हमें गौर करना है, जो हम यहाँ पर आम तौर पर ऐसे ही गुजर जाते हैं, कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम के खानदान तो वहां इस मुसीबत से दो चार है, ये जो लॉकडाउन कर दिया गया है और जबरदस्ती जो है मुसलमानों को जो है वहां बाइकॉट कर दिया गया है, वहीं पर अल्लाह के रसूल के सहाबा भी हैं। ऐसा नहीं है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मुसीबत से दो चार हो रहे हैं और सहाबा खुले फिर रहे हैं, कि सहाबा में से बाद सहाबा वो हैं जिन्होंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान को और आपके दामन को जो है वाबस्ता कर लिया। कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मुश्किल वक्त में आपके साथ हैं, और सहाबा के वाकयात भी मिलते हैं कि सहाबा कहते हैं कि हम अल्लाह के रसूल के साथ थे कि जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये हालात गुजरे हैं। तो ये बातें मैं इसलिए अर्ज कर रहा हूँ कि सीरत तय्यबा के इस मरहले में कि सहाबा वाली कैफियत, सहाबा वाला इश्क, सहाबा वाली मोहब्बत, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं तो फिर अल्लाह के रसूल के साथ हर चीज में हम शरीक हैं। ये जो सेवंथ ईयर है वो पूरा गुजर रहा है, और फिर इन मुश्किल हालात में भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत का सिलसिला जारी रखते हैं। और हज के दिनों में चूंकि बाहर से लोग आते हैं हज करने के लिए, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफिलों से मुलाकात करते हैं, वहां से जो है इंडिविजुअल अल्लाह के रसूल मिलते हैं और उन्हें दावत देते हैं। और यहाँ पर देखिए कि हालात मक्के में जो है सख्त हैं, मक्के वाले कोई बात नहीं करते हैं, कोई जवाब नहीं देता है। अल्लाह के रसूल ने अपनी एनर्जी और अपने काम को दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल ने डाइवर्ट फरमा दिया। अल्लाह के रसूल ने क्या किया कि अल्लाह के रसूल ने देखा कि यहाँ मक्के वाले तो सुन नहीं रहे, सुनेंगे भी तो जवाब नहीं दे रहे कि वो पाबंद हैं। तो अल्लाह के रसूल ने क्या किया, अल्लाह के रसूल ने जो मक्के के जो सराउंडिंग एरियाज हैं, अल्लाह के रसूल ने वहां वहां उसको टारगेट फरमाया। अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ ले जाते और वहां ले जाकर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत पेश फरमाते। तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, वो हालात और जमाने पर डिपेंड नहीं थी कि हालात फेवर में हों, लोग सुनने वाले हों, लोग इसको जो है एक्सेप्ट करेंगे तो हम सुनाएंगे। अल्लाह के रसूल ने फरमाया ठीक है, यहाँ पर जो है पाबंदियां हैं, यहाँ पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, तो दूसरे और भी मौके हैं, दूसरे और अपॉर्चुनिटीज हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस साल के अंदर जो है वो दूसरे इलाकों का, कबीलों का, दूसरे सराउंडिंग जो नियर बाई हैं जो आउटस्कर्ट्स जिसको हम बोलते हैं, अल्लाह के रसूल वहां तशरीफ ले गए, वहां कबीलों से अल्लाह के रसूल ने मुलाकात फरमाई। ये अब नबूवत का जो आठवां साल शुरू होता है, तो चूंकि जो है अग्रीमेंट हो चुका है, बाइकॉट बन चुका है, तो नबूवत का सातवां साल पूरा का पूरा
अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शैब अबी तालिब में गुजरा है। अब जो आठवां साल है वो भी शैब अबी तालिब ही में गुजर रहा है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालात से दो चार है, भूखों जो भूख का जो है ये हाल है, लेकिन इसके बावजूद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्र के साथ अल्लाह तबारक व ताला की इस मिशन को पूरा कर रहे हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बैरून मक्के के मतलब आउट ऑफ द मक्का जो है वो चले जाते थे और वहां पर दावती जो काम और जिम्मेदारी थी अल्लाह के रसूल उसको बेहतरीन अंदाज में पूरा फरमाते थे। और यहाँ पर कुछ चीजें वो हैं जैसे मक्के से जो रास्ता गुजरता है तो वहां से कई कारवान गुजर रहे हैं, कई जो है लोग जा रहे हैं, तो अल्लाह के रसूल उनसे मुलाकात करते हैं। और वहां पर जिंदगी जो है मेक शिफ्ट बोलते हैं उसको, खाना बदोश का मतलब मेक शिफ्ट, उनका परमानेंट कोई घर नहीं होता, तो वो कुछ दिन यहाँ रहते हैं कुछ दिन वहां रहते हैं, तो अल्लाह के रसूल उनसे भी मुलाकात करते हैं। वहां पर भी अल्लाह के रसूल ने, और जो पहाड़ों के अंदर रहते थे, जो जंगलों में, जो डेजर्ट में रहते थे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां पर भी पहुंचे और उनको भी दावत दी। और मक्के में चूंकि ये इम्कान नहीं था, ये पॉसिबिलिटी नहीं थी, और ये जो आठवां साल है तो आठवें साल में मक्के वालों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालबा किया। मुतालबा का मतलब ये कि अल्लाह के रसूल से फरमाया कि आप नबी हैं, आप जो मौजजात दिखाते हैं तो आप ऐसा कोई मौजजा दिखाइए कि जो इस जाहिरी दुनिया में नजर आए, ये फिजिकल दुनिया में हमको नजर आए। तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने उनके मुतालबे पर चौदहवीं रात थी कि जब वो जो है चौदहवीं रात को जो है चांद पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है और जिसको हम क्रिसेंट कहते हैं, जब वो जो है पूरी तरीके से चांद जो है वो कंप्लीट है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजारा फरमा रहे हैं, मुशरिकीन भी, तो अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वस्सलाम ने चांद की तरफ इशारा फरमाया और जिसकी वजह से वो चांद दो टुकड़ों में जो है बट गया, और दो टुकड़ों में जो बट गया तो एक टुकड़ा जो है हिरा की जानिब और दूसरा जो है वो जमीन की जानिब झुक गया, और जो हिरा जो पहाड़ है बड़ा सा तो वो दोनों के बीच में साफ तौर पे नजर आ रहा था, और इसी को शक कमर का मौजजा कहा जाता है। और ये जो वाकया है आज साइंटिफिकली तो इतना प्रूव्ड है कि आज लोग कहते हैं कि साहब आप जो है 1500 साल पीछे की बात कर रहे हैं, आज तो इंसान आसमान पे पहुंच गया है। लेकिन मैं कहता हूं मेरे भाई, आप पहुंचे नहीं हैं चांद पर, आप जो है मून तक आपकी रीच नहीं हुई है, अल्लाह ने रीच करवाई है, अल्लाह ने आपको वहां आज 1500 साल के बाद पहुंचाया है। मेरे आका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उंगली का इशारा है जिसको दिखाने के लिए तुमको अल्लाह ने भेजा है। और आज भी आप सर्च कर लीजिए तो आपको मिलेगा कि नेट के ऊपर ये प्रूव्ड है, और भी साइंस और टेक्नोलॉजी और रिसर्च और हमारी जो मॉडर्न चीजें हमारे सामने आ जाएंगी, ये चीजें उसको जो है साबित करेंगी, दुनिया देखेगी कि हाँ वाकईतन ये मौजजात हुए। और ये मौजजात उस जमाने के लोगों ने भी कहा कि हाँ हम उस रात में फला जगह पर थे, हमने देखा कि साहब चांद दो टुकड़े हो गए। और इसका जिक्र कि आप साइंस को एक तरफ रख दें, उस जमाने की विटनेस को एक तरफ रख दें, हमारे पास सबसे बड़ा सोर्स जो ऑथेंटिक सोर्स है वो अल्लाह का कलाम है, वो अल्लाह की किताब कुरान मजीद है जो क़ियामत तक रहेगी और जिसको अल्लाह ने क़ियामत तक के लिए रखा है, और जिसमें 27वां पारा और सूरा है, सूरे का नंबर है रिवील के एतबार से 37 और ऑर्डर के एतबार से 54, और उस सूरे का नाम ही है सूरतुल कमर, उस सूरे का नाम ही है सूरतुल कमर, ये चांद वाला सूरा है। अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल इसकी फर्स्ट आयत में अल्लाह ने फरमा दिया इक्तरबती साअत वंशक्कल कमर, ये कयामत अब करीब हो गई कि अल्लाह के रसूल इस दुनिया में आ गए, अब आपके बाद कोई नबी नहीं है, अब कोई नए नबी की जरूरत ही नहीं है, कयामत तक के लिए आपकी रिसालत, कयामत तक के लिए आपकी नबूवत, कयामत तक के इंसानों के लिए आपकी रहबरी, और आप एज ए गाइड हैं बस।
अब जब आप आ गए तो अब कियामत आएगी, अब कियामत करीब होगी। वंशक्कल कमर, और चांद जो है वो फट गया, चांद जो है वो स्प्लिट हो गया। और फिर आगे जो आयत करीमा है इस कुरान मजीद ने उन मक्के वालों के बारे में कहा है कि वो तो पहले आए और कहने लगे कि आप बताइए, आप एक मौजिजा कोई मिराकल हमको हमारे सामने आ जाए। तो अल्लाह ने फरमाया जब मिराकल हो गया, जब मौजिजा उनकी आंखों ने देख लिया, तो कहने लगे नहीं ये क्या है। वही अरो आयतन, और अगर कोई वो कोई निशानी देख ले यू अरिदु, तो वो उसको एराज कर देंगे, वो उसको ओवरलुक कर देंगे, वो उसको जो है निगलेक्ट कर देंगे। वो यकूलू, और वो ये कहेंगे और वो ये बोलेंगे सिहरुम मुस्तमिर, ये कैसा जादू है, सिहरुम मुस्तमिर, चलता फिरता जादू है। ये पहले तो ये बोलते थे अल्लाह के रसूल जादूगर हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि चांद में भी आपका जो है चल रहा है, और ऐसा जादू है कि जो हर जगह जो एक्टिव है, हर जगह इफेक्टिव है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया वकज़बू वत्तबऊ अहवाहुम, उन्होंने झुटलाया, उन्होंने अपनी ख्वाहिशात की पैरवी की, और हर काम का एक वक्त तय है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ कुरान मजीद में इसकी गवाही दे दी, और हमारे लिए इससे बढ़कर कोई और सोर्स की हमको जरूरत ही नहीं। हम ये कहें कि कोई साइंस को कोई मानता है, भाई मानो ना मानो आपकी मर्जी है, आपको आप जाने, आपकी अकल जाने, आप जाने, आपकी आपकी टेक्नोलॉजी जाने, हमें उसकी कोई जरूरत नहीं है कि आप प्रूव करेंगे तो हम अथेंटिसिटी उसकी प्रूव हमारे पास होगी। उसकी अथेंटिसिटी के लिए तो हमें ये कुरान की आयत काफ़ी है, कि कुरान मजीद का ये बयान हमारे लिए इनफ है कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये बात हमारे लिए फरमा दी है। और हजरात गिरामी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इतना बड़ा मौजज़ा, और फिर आज के दौर में भी हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलातु वसलाम की इस मौजज़े को हमारे शुआरा ने बहुत बेहतरीन अंदाज में और बहुत शानदार अंदाज में पेश किया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस मौजज़े के ज़रिए से अल्लाह तबारक व ताला ने बता दिया कि अल्लाह तबारक व ताला किस तरीके से अपने नबियों की मदद फरमाते हैं। ये नबूवत का जो है 8वां साल मुकम्मल होता है, और 9th ईयर में हम पहुंचते हैं, तो ये पूरा 3rd ईयर भी अल्लाह के रसूल का उसी घाटी में, उसी बैकाट में गुजरता है। और अल्लाह के रसूल की उम्र मुबारक हो जा रही है 49 यानी 49th ईयर, और इस साल भी अल्लाह के रसूल इसी शेब अभी तालिब में रहे। अब यह 3 साल हो गए हैं, तो आप देख लीजिए कि हमारे यहाँ के जो हालात हैं कि पूरी दुनिया लॉकडाउन के बाद जो है पोस्ट कोरोना और प्री कोरोना आप सामने रखिए, तो आपको साफ समझ में आ जाएगा कि ये 1 साल 2 साल में जो है जिंदगी कहाँ से कहाँ हो गई और क्या से क्या हो गई। यहाँ जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल गुजारते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए कि क्या क्या हालात नहीं हुए होंगे, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या मुश्किलात से, परेशानियों से नहीं गुजरे होंगे। और इसी जमाने के बहुत सारे और वाकयात में ये हैं कि मक्के में बहुत बड़ा पहलवान था, और ये पहलवान का नाम भी हमारे यहाँ मशहूर है, उसको हम लोग जो है रुकाना उसको कहते हैं। तो रुकाना जो है ये बहुत बड़ा पहलवान था, बहुत मोटा ताजा, तो कुरैश का ताकतवर पहलवान था, और मशहूर ये था कि 1000 आदमी को भी काफी है, ऐसा मशहूर था, लेकिन था तो बहुत पहलवान। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि ये मक्के के पहाड़ियों में से गुजर रहा है, जा रहा है, हुजूर अलैहि सलातु वसलाम का तारुफ हुआ, अल्लाह के रसूल ने उससे मुलाकात की। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ रुकाना, ये जो तेरा जिस्म है इतना मोटा ताजा, एक दिन जहन्नम का जो है हिस्सा बन जाएगा, जहन्नम उसको खा जाएगी। तो वो बहादुर था ना, तो बहादुर जैसी बहादुर वाली बात बोलता है। तो रुकाना बोला कि मोहम्मद, मुझे नहीं समझ में आ रहा तुम क्या कर रहे हो, क्या आप क्या कह रहे हैं मुझे नहीं समझ में आ रहा। हाँ अलबत्ता एक बात है, तो अगर मैं चूंकि पहलवान हूं ना, तो अगर आप मुझे पछाड़ दें, अगर आप मुझको डिफीट कर दें, अगर आप मुझको जो है हरा दें, तो फिर मैं मान लूंगा कि आप जो कह रहे हैं वो हक है, वो सच है, वो ट्रू है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने रुकाना से कहा कि चलो फिर ठीक है,
तुम्हारी बात को हम मानते हैं, तो रुकाना तैयार हो गया। अल्लाह के रसूल ने उसको पकड़ा और पटक दिया। रुकाना ने कहा कि नहीं नहीं ठहर जाइए, मैं मेंटली प्रिपेयर नहीं था। तो अल्लाह के रसूल ने कहा चलो फिर, तो फिर दूसरी मर्तबा उठा के फिर पटक दिया। तो दूसरी मर्तबा जब हो गया तो रुकाना ने कहा कि मैं जरा मुझे टाइम दीजिए। तो फिर जब तीसरी मर्तबा भी पटक दिया तो रुकाना ने कहा कि साहब मैं इतना बड़ा बहादुर, मुझे आज तक कोई हरा नहीं पाया है, ये क्या बात है कि अल्लाह के रसूल ने मुझे ऐसे यूं पकड़ा और उठा के पटक दिया। तो वो रुकाना जो है वो समझ गया कि ये कोई रूहानी ताकत है, ये फिजिकल ताकत नहीं है, कोई स्पिरिचुअल है जो अल्लाह के रसूल की जो है इतनी मदद कर रही। और उसी मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये मुआजिजा भी अल्लाह तबारक व तआला ने अता फरमाया कि हुजूर अलैहि सलाम ने रुकाना से कहा कि देखो रुकाना, कि मैंने तुमको पटक तो दिया है, अब तुम अपनी बात को पूरा करोगे, एक चीज और देख लो। ये देखो कि वहां दूर एक झाड़ खड़ा है, मैं उसको बुलाता हूँ, वो जमीन फाड़ के आएगा। तो वो रुकाना दंग रह गया, तो देखते रह गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी तरफ इशारा किया और वो दरख्त जो है वो जमीन को फाड़ कर हुजूर की तरफ चलना शुरू कर दिया। और अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह की जो किताब है अलबिदाया वन निहाया, मशहूर किताब है, कि अल्लामा इब्ने कसीर रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखा है कि रुकाना जो है वो अब हजरत रुकाना बन गए, अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें ईमान अता फरमाया। और हजरत अब्दुल्ला इब्ने मसूद की एक रिवायत है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग जो है इस्लाम से नफरत कर रहे हैं और सहाबा को इंतहा दर्जे में सता रहे हैं और इस्लाम कबूल भी नहीं करते हैं, तो अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई कि अल्लाह कि जिस तरह इन्होंने हमें भूखों मारा है, जिस तरह अल्लाह के नाम लेने वालों को इन्होंने दाने दाने के लिए तड़पा दिया है, तरसा दिया है, और ईमान और इस्लाम की बुनियाद पर उन्होंने एक पूरी कौम को जो है वो मिटाने और दबाने और उसको ख़त्म करने पर तुले हुए हैं, तो ऐ अल्लाह उन पर भी कहत नादिल फरमा, जैसा कि आपने हजरत मूसा हजरत यूसुफ के ज़माने में कहत नादिल फरमाया था। उसका जिक्र सूरह यूसुफ में मौजूद है। अब चूंकि एक नबी की दुआ है और अल्लाह के रसूल ने क्यों दुआ मांगी कि इन मक्के वालों को भी हालात का पता हो जाए, ये मक्के वालों को भी अंदाजा हो जाए कि उन्होंने क्या जुल्म किया है, क्या गैर इंसानी हरकत उन्होंने की है, ईमान और इस्लाम को मिटाने के लिए वो किस हद को पहुंच चुके हैं और किस दर्जे गिर गए हैं। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये बद्दुआ थी जो उनके हक में साबित हो गई। और कहते हैं कि मक्के के अंदर इतने बुरे हालात हो गए, इतनी भुखमरी हो गई और इतना जो है कहत पड़ा कि वो मुर्दार खाने पर मजबूर हो गए, चमड़े और हड्डियां तक खाने पर मजबूर हो गए। और उसी जमाने में मक्के के कुछ नेक कुछ लोग थे जो हुजूर के पास आए, उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए कि ये मक्के वाले जो है इतने इतने जो है परेशान हो चुके हैं कि इनकी हालत इतनी खराब हो चुकी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर दुआ फरमाई तो उसका नतीजा ये हुआ कि अल्लाह तबारक व ताला ने आपकी दुआ कबूल फरमाई और मुसलसल कंटिन्यू 7 days तक बारिश हुई। और बारिश भी इतनी हुई, इतनी बारिश हुई कि बारिश की वजह से सारा मक्का बह जाता। आकर फिर अल्लाह के रसूल से फरमाया या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए कि अल्लाह बारिश का ये सिलसिला रोक ले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दस्त मुबारक बारगाह खुदाबंदी में उठते हैं और फिर वो बारिश के बादल छटते हैं और बारिश का सिलसिला खत्म होता है। तो हजराती गिरामी ये वो दौर है कि अल्लाह तबारक व ताला ने जहां मुसलमानों को हालात से दो चार किया। अब यहां रुककर थोड़ी देर गौर करिया कि हुजूर अलैहि सलात व सलाम ने रुकानों को पटक दिया, क्या अल्लाह के रसूल के लिए कोई मौजिज़ा नामुमकिन था? क्या मक्के की इस बस्ती के अंदर कोई मिराकल हो जाए कोई नामुमकिन था, कोई इम्पॉसिबल था? लेकिन क्या बात है कि अल्लाह के रसूल को 3 साल तक एक घाटी के अंदर सब्र के साथ, हालात के साथ, फाकों के साथ अल्लाह के रसूल को जो है गुजारा जा रहा। हजराती गिरामी
और मेरे भाइयों और मेरे बहनों और मेरे तलबा, गौर करिए कि अल्लाह तबारक व ताला ने अल्लाह के रसूल को एक प्रैक्टिकल लाइफ अता फरमाई। मिराकल जैसे अभी यहाँ हुआ है कि रुकाना को अल्लाह के रसूल ने पटक दिया है, क्या मुश्किल था कि अल्लाह तबारक व ताला काबे के अंदर कोई ऐसा मौजजा हो जाता। एक महीना, दो महीने, छह महीने, एक साल, दो साल, तीन साल पूरे, तो मालूम यह हुआ कि अल्लाह के रसूल की जिंदगी मुजाहिदों वाली जिंदगी है, अल्लाह के रसूल की जिंदगी कुर्बानियों वाली जिंदगी है, अल्लाह के रसूल का ये रास्ता सक्रीफाइस वाला रास्ता है। और यही नहीं बल्कि अपने जो है गैर बन जाएंगे, आपकी जो चीजें हैं वो छीन ली जाएंगी। और मैं खास बात इसलिए अर्ज कर रहा हूं कि अभी हमने लॉकडाउन में देखा है कि लोगों ने, कहने वालों ने कहा कि इस पूरे उसका टारगेट ये है कि मुसलमानों से ईमान और इस्लाम की स्पिरिट खत्म कर दी जाए, कि मुसलमानों में हज का जो स्पिरिट थी वो खींच ली जाए, मुसलमानों में जो हज के लिए और दुनिया से हटकर अल्लाह के लिए जो लगाते हैं वो खत्म कर दिया जाए। और यही कि अल्लाह तबारक व ताला ने ये हालात लाए हैं कि उम्मत को ये बताने के लिए कि एक वक्त वो होगा कि जब अल्लाह की दी हुई नेमतें होंगी लेकिन इंसान उनकी नाकदरी करेगा तो अल्लाह नेमतें और वो अल्लाह के फजल छीन लेंगे, और वो अगर करना भी चाहा तो नहीं कर पाए। आपने देखा कि हज 2020 कैंसिल हुआ, हज 2021 कैंसिल हुआ, कोई अपने मुल्क से, कोई अपने शहर से हज के लिए नहीं जा पाए, हम अपनी मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ पाए, रमजानुल मुबारक आया हम जो है मस्जिद में एतिकाफ नहीं कर सके, बाजमात नमाज नहीं पढ़ सके, हम जो है जुमा की नमाज नहीं पढ़ सके, ईद की नमाज हम नहीं पढ़ सके, हम ईद के लिए अपने रिश्तेदारों से मिल नहीं सके। हजराती गिरामी, ये तो वो हालात हैं जो दुनिया के अंदर पैदा किए गए हैं, ये तो अल्लाह की तरफ से, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिस वजह से दो चार किया गया वो ईमान की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पर, कुरान की बुनियाद पर, तौहीद की बुनियाद पर, अल्लाह के रसूल की रिसालत की बुनियाद पर। ये जो हालात हमारे सामने आए हैं ये बहुत बड़ा हमारे लिए सबक है, लेकिन आज भी हाल ये है कि उम्मत वही गफलत की शिकार है, उम्मत उसको जो है कोई सबक लेना नहीं चाहती। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है कई जगह पर कि हम हालात इसीलिए लाते हैं कि इंसान गौर करे। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमाते हैं कि आदमी के ऊपर ये जो हालात आते हैं वो इसलिए हैं। और हमारे यहाँ एक बड़ी अच्छी बात कही है एक अकलमंद ने कि लोग समझते हैं कि अकल जो है वो बादाम खाने से आती है, अकल जो है वो भेजा खाने से आती है, कि उसने कहा साहब अकल ना तो बादाम खाने से आती है, अकल ना तो भेजा खाने से आती है, अकल तो इंसान को ठोकर खाने से आती है। इतनी बड़ी ठोकर हमने खाई कि हमारी मस्जिदें वीरान और सन्नाटा हो गए, हम अपने दिल में तमन्ना लिए रह गए, हमारे हाफिज जो है वो कुरान ना पढ़ सके, ना पढ़ा सके, ना सुन सके। तो हजराते गिरामी, शेब अबी तालिब हमारे लिए लॉकडाउन का एक बेहतरीन, और अल्लाह के रसूल ने जो हालात के अंदर जो काम किया है, आपने देखिए कि अल्लाह के रसूल अलैहि सलात व सलाम ने अपनी सारी सलाहियतों को दावत पर लगाया, अल्लाह के रसूल ने अपने काम को जो है कि एक दूसरा अप्रोच दिया, और इन हालात के साथ साथ उम्मत मुस्लिमा के अंदर अल्लाह के रसूल से जो रिश्ता और निस्बत हमें जोड़ना है, कि जो मैंने जिक्र किया कि सहाबा इन हालात में भी अल्लाह के रसूल के साथ हैं, तो आज बहैसियत नबी की उस उम्मती और अल्लाह के रसूल के कलमा पढ़ने वाले का ये हाल होना चाहिए कि वो मुसलमानों की फिक्र करे, मुसलमानों का हमदर्द बने। कि हम ये कहें कि साहब मैं तो बिरयानी खा लिया, मेरे पेट में तो डकार आ गई, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने थम्सअप और कोका कोला और पेप्सी पी लिया, और मेरे पड़ोस में जो है गरीब है, बिल बिला रहा है, वो अपनी जिंदगी गुजारने के लिए परेशान, अपने बीवी बच्चों की पढ़ाई के लिए परेशान, अपने बच्चों की तालीम के लिए परेशान, अपने घर वालों के इलाज के लिए परेशान, अपने रोजगार के, लेकिन हम हैं बिल्कुल मुतमईन जिंदगी। तो हजरात गिरामी, ये सीरत तय्यबा का आज का जो हिस्सा हमने पढ़ा है ये हमारी अमली जिंदगी के लिए बहुत बड़ा सबक है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अमली प्रैक्टिकल लाइफ क्या थी।
कि अल्लाह के रसूल ने ये हालात जब आए हैं तो कैसे उसको अल्लाह के रसूल ने फेस किया। बड़ा अफसोस होता है मुझे कि आज हमारे पास, मैंने ये जो लॉकडाउन हुआ है उसके बाद के उसको मैं तो गहराई से, बहुत करीब से मैंने एक एक चीज को देखा है। कि उसके अंदर आपने देखा होगा कि जो रिपोर्ट्स आई हैं उसके अंदर, ये रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि लॉकडाउन में सबसे ज्यादा कैरम बोर्ड बिका है, सबसे ज्यादा ताश के पत्ते बिके हैं। क्यों? हमारे नौजवान रात रात भर बैठकर कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, रात रात भर बैठ के ताश के पत्ते खेल रहे हैं। हजरते गिरामी, अगर हमारे ऊपर जालिम और हमारे हमको मिटाने वाली अगर हुकूमतें आ रही तो क्या हमारा उसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं है कि हम ये कह रहे हैं कि हालात ये हो गए, उन जीत गया, इन जीत गया, उन आ गया तो क्या करेगा इन, हम क्या कर रहे हैं? क्या हमने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 साल जिंदगी को सामने रखकर हमने देखा है? तो ये मेरा अपने वो जज्बात हैं कि जो इतना बेहतरीन वक्त है कि अल्लाह तबारक व ताला को मनाने का, अल्लाह से अपनी गुनाहों के माफी चाहने का, और अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें उतरती हैं उसी के बाद, अल्लाह तबारक व ताला आजमाते हैं उसके बाद नवाजते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अल्लाह के यहाँ आजमाइश हो आजमाइश है, ऐसा नहीं है। अल्लाह के यहाँ आजमाइश है उसके बाद फिर नवाजिश भी है। वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमान, तू करीम ही जो ठहरा, तेरे करम की क्या ठिकाना। हज़रात गिरामी, अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि मौला ताला हम सब के शाफी महशर, मोहसिन इंसानियत, फख्र अंबिया, सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानियों का हमारी तरफ से, हमारे माँ बाप की तरफ से, हमारे बीवी बच्चों और भाई बहनों की तरफ से और सारी उम्मत की तरफ से बेहतरीन बदला अता फरमाए, उन सहाबा को बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हमारी उम्मत को गफलत से जगाए और हमें जागने वाला फरमाए, और सीरत तय्यबा को हकीकी मानों में हमें ज़िंदगी में अडॉप्ट करने की तौफीक अता फरमाए, और इस ज़िंदगी में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक उम्मती और आपका एक फरमाबरदार उम्मती बनकर जो है ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।